नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सहकारी समिति में बेची गई फसल का डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने पर किसान दर दर की ठोकरे खाने पर हो रहा है मजबूर। राधोगढ़ तहसील अंतर्गत दौराना गांव में रहने वाले किसान शेख सलीम उद्दीन ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपना दर्द बयां किया। किसानों ने गेहूं तो लाया था लगभग 23-25 को, और आज दिनांक तक हमारा पैसा नहीं आया। हमने DR ऑफिस में भी आवेदन दिया, इसके अलावा हमने नागरिक आपूर्ति निगम में भी आवेदन दिया, उसकी प्राप्ति ली है। और हम जहाँ भी जाते हैं सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर ठेल देते हैं कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, और अभी तक हमारी बोनी नहीं हो पाई है। इस कारण पैसों की कमी के कारण हमारी बोनी नहीं हो पाई है। मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, इसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो किसान पूरी तरीके से परेशान है, और किसानों का नारा दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी किसान पूरी तरीके से परेशान है और किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लगभग कितने पैसे हैं आपके? जी मेरे 200 कुंटल तुले थे, 3,90,000 के लगभग हैं। साहब मैंने DR ऑफिस में शिकायत की, नागरिक आपूर्ति निगम में शिकायत की, इसके अलावा CO जिला सहकारी बैंक में शिकायत की। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।